हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज की वीडियो में हम मशीन से हुक लगाना सीखेंगे। इस वाली पट्टी हमने लगा रखी है, इस पे हम आई बनाएंगे, वो भी हम मशीन से ही बनाएंगे। वो भी आपको बनाना बताएंगे कि कैसे हम मशीन से आई बनाते हैं। ये वाले हुक जो है वो हम मशीन से लगाना सीखेंगे। देखिए, लंबाई आप हमेशा ब्लाउज से मेजर कीजिए। हमने समथिंग 2 इंच के लगभग हमने इस वाली पट्टी की चौड़ाई ली है और दूसरे वाली पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 ली है। देखिए, इस बड़े वाली पट्टी को हम साइड में कर देंगे और छोटे वाली पट्टी को हम सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे। देखिए, ऐसे करके नीचे हमारा ब्लाउज है, ऊपर हमारी पट्टी है और ऐसे करके हम मशीन लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे हम ऐसे नाखून की सहायता से भी आप ऐसे कर सकते हो इसे, अदरवाइज आप इस पे प्रेस कर सकते हो। 3 पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे हम। देखिए, ये वाला हम निशान लगा लेते हैं। देखिए, अभी हम दूसरे वाली पट्टी को ले लेंगे। 3 पॉइंट का एक निशान लगाया हुआ है यहीं पे। हम देखिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे 3 पॉइंट का निशान लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे देखिए हमारा ये एंड होता है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच पे एक निशान है, 2 इंच पे, 2 इंच पे। देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे करके हम ऐसे एक निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंच आता है, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। देखिए, इस निशान की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है हमने, इसको हुक को इसके अंदर डालना है तो सिर्फ हुक के जितनी ही चौड़ाई हमने लेनी है। अगर ज़्यादा चौड़ाई हम लेंगे तो जो ये वाला एरिया है हमारा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ है हमने ये ध्यान में रखनी है। और ये ऐसे निशान जरूर लगाएं आप, आपको पता होगा आपने मशीन कहाँ तक लगानी है, तो आप इसको ऐसे हुक को ऐसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तक मेरे हुक का साइज आता है, तो आप भी ऐसे हुक का साइज मेजर कर ले। इस आया है, वहीं से आपने मशीन चलानी है। निशान हमारा लग चुका है, अभी हम मशीन लगा के दिखाएंगे कि आपने कैसे इस पे मशीन लगानी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मशीन लगाएंगे, मशीन को पक्का कर लेंगे। अभी हम मशीन उठाएंगे और उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए, मशीन उठा के हमने रखी है और आगे आ जाएंगे। अभी हम ऐसे उठाएंगे मशीन को और ये पिन हम निकाल देंगे। देखिए, नीचे हमने एक निशान लगाया है, उसी निशान को मैच करेंगे और मशीन को ऐसे इस निशान तक लेके आएंगे। देखिए, यहाँ पे ये हमारा निशान आ गया है। अभी हम उठाएंगे मशीन को और ऐसे करके हम चलाएंगे, वापस उल्टी चलाएंगे, पक्का कर देंगे बिल्कुल। देखिए, पक्का कर दिया है हमने मशीन को। अभी हम मशीन वापस से उठाएंगे, लाइन के इस वाली लाइन के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आपने मशीन नहीं लगानी है, सिर्फ इस लाइन पे आपने मशीन लगानी है। देखिए, वापिस से हम ऐसे मशीन चलाते हुए आएंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया करेक्ट वहीं पे आके हम मशीन को उठाएंगे और वापिस हम ऐसे जहाँ पर जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है एकदम पक्का कर देंगे। देखिए, और वापिस पीछे आएंगे और मशीन को अभी हम उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे और दूसरे वाले निशान पे रखेंगे और फिर वापस हम पक्का कर देंगे। देखिए, अभी हम आगे मशीन लेके जाएंगे और आगे वाले हुक को हम पक्का करेंगे। लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी बहुत खुशी होती है आपके लाइक करने से। तो देखिए, ये हमारा मशीन लग के हमारी कंप्लीट हो गई है।
ये देखिए यहाँ पे जो धागा है उसको हम कट कर देंगे निशान तक, एक जैसा मशीन को पक्का किया है। अभी हम हुक लेंगे और ऐसे देखिए ये जो पट्टी है हमारी, इसके नीचे से ऐसे हम हुक को प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपके हुक लगाने की। ये देखिए ऐसे हमारा हुक बाहर आ जाएगा। देखिए हुक जो है हमारा बाहर आ गया है। देखिए फिर से आपको दिखाएंगे। देखिए ये पट्टी है हमारी, इसके नीचे हमारी दूसरी पट्टी है और ये जो कपड़ा है इसके नीचे से हम डालेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम डाल देंगे और डाल के हम इसको प्रेस करेंगे अंदर की साइड में। नाखून की सहायता से हम प्रेस करके हुक को निकाल लेंगे। दोनों हुक हमने डाल दिए हैं, सेम ऐसे ही हम ऊपर वाले हुक भी डाल देंगे। देखिए देखिए ये वाली पट्टी हमने, थोड़ी बहुत अगर हमारी ज़्यादा लग रही है तो हम ऐसे इसको कट कर देंगे। देखिए कट कर दिया है। अभी इस पट्टी को देखिए हम अंदर की साइड ऐसे ऐसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए और यहाँ पे हम मशीन लगा देंगे। देखिए आपने देखना है अंदर कहीं आपकी मशीन इस पे ना चल जाए, तो आपने ध्यान रखना है। और आप ऐसे मशीन लगा दें और मशीन के बाद आप इस पे कुरपाई कर दें, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। देखिए इस साइड से आप देख सकते हैं और इस साइड से तो पूछे ही मत कि ये कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही आसान तरीका आपको वीडियो में बताया गया है। देखिए ऐसे करके आपकी हुक पट्टी रेडी हो जाएगी। मेरी तरफ से एक सजेशन है आपको, जब आप नेक पट्टी लगाएंगे, जब आप नेक पे पट्टी लगाएंगे तो हुक के यहाँ पे आपकी मशीन नहीं लगेगी, तो आप यहाँ पे मशीन को बंद कर दें और जो आगे वाला हिस्सा है उसको आप या तो हाथ से स्टिच करें या फिर सिंगल पैर वाली मशीन से आप स्टिच करें, तभी यहाँ से स्टिच होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपकी मशीन नहीं चलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।